दुम्ब माने पूछ। ज्ञान तो बहुत सहज है, थोड़ा है, लेकिन इस ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो नंबरवार धारणा करने के अनुसार मिलती है। कोई महाराजा बनते हैं, कोई राजा बनते हैं, कोई रानी बनते हैं, कोई अधिकारी बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, कोई प्रजा वर्ग में जाते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा में जाते हैं, तो फिर फोर्थ क्लास प्रजा में साहूकार नहीं बनते हैं, दास दासी बन पड़ते हैं, चांडाल बन पड़ते हैं। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, थोड़ा है, लेकिन उसका दुम्ब बहुत लंबा चौड़ा है। दिया भी है बाबा याद करने का ज्ञान में पूछा प्रश्न पूछते रखना प्रश्न वो याद दिया जाता है बाबा बोले तो प्रश्न पूछते हैं वो याद दिया जाता है तो याद नहीं रहती प्रश्न पूछने वाले को, लेकिन कोई बात में मुझे हुए हैं उस बात का जवाब नहीं मिल रहा है, या कोई को समझाते समय कोई ने प्रश्न कर दिया उस प्रश्न का हम जवाब नहीं दे सके, तो संशय का निवारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? संशय का निवारण करेंगे तो याद अच्छी आएगी, नहीं तो प्रश्न मुझात पैदा करते रहेंगे, पुरुषार्थ चौपट होता रहेगा। बाकी एक प्रश्न पूछना होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, और कोई ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं अपनी होशियारी दिखाने के लिए या विरोध भाव पैदा करने के लिए, वो ठीक नहीं। जैसे कहानियां ढेर सारी आई हैं भक्ति मार्ग में, वैसे गुलबकावली की भी कहानी है, मुसलमानों में ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं जो ज्ञान से लगती हैं। बाबा महामंडल भक्ति मार्ग में महानंदी है, भक्ति मार्ग में महानंदी महानंदी नंदी तो बैल को कहा जाता है, सबको आनंद देने वाला बैल का पार्ट है। ब्राह्मणों की दुनिया में किसका है? शिव के मंदिर में बैल दिखाया जाता है, जहां जहां भी शिव के मंदिर होंगे बैल भी रखा होगा, उसका नाम रखा है नंदी। ऐसे तो सभी पुरुष बैल हैं, लेकिन वो है महानंदी, बहुतों को आनंद देने वाला है। और लोड़ा आएगा फिर आती है।
बिना तेरी उंगली किए घी नहीं निकलता है। तो ऐसे ही 70 साल हो गए बाबा को समझाते समझाते, बच्चे दैवी गुण धारण करो, अवगुणों को छोड़ते जाओ, एक बाप को याद करना है, औरों औरों की याद को त्यागते जाना है। लेकिन बच्चे सुधर रहे हैं, है? इसलिए ड्रामा में ये युक्ति नुदी हुई है कि जोर से एक लोढ़ा आवेगा, सांप को हिला देगा, फिर सांप को साथ में खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, निकलने के बाद ही निकलने के बाद ही यूपी में रहने वाला जगह उनका बताया है। गंगा तो सरिया की तरफ है, फिर सरिया गंगा आने के बाद यूपी वाला है तो लोग सब सरिया की तरफ कर देते। सब क्यों सन्यासी धर्म लोग को अभी नहीं निकल रहे यूपी में, अभी भी तो निकले हैं, तो जो अभी निकले हैं वो प्राप्ति की लिस्ट में है, और जब गंगा निकलेगी तो गंगा के साथ सब सन्यासी भी निकलेंगे, फिर तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्यों विजय हो जाएगी? क्योंकि प्योरिटी वाली पावरफुल आत्माएं तुम्हारी सहयोगी बन जाएंगी। ये भी राज बना हुआ है। दक्षिण भारत को तो भारत का विदेश बताई दिया है, वहां तो सन्यास धर्म फैलता भी नहीं उतना ज्यादा, लास्ट में आकर के ये सन्यासी विदेशों में पहुंच गए। वहां विदेश में भी पहुंच करके उन्होंने त्याग स्वरूप को धारण किया है या संग्रही बन गए हैं। त्याग को धारण नहीं कर पाया, ये तो बाप आते हैं तो सच्चा सन्यास और सच्चा त्याग सिखाते हैं। त्याग से फिर सारी दुनिया का भाग्य बनता है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, और ज्ञानी भी पवित्र बुद्धि में ज्यादा बैठता है या पवित्र बुद्धि में बैठता है? तो गंगा तो है ही आदि वाली, आदि तो अंत, अंत में ये ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है, कि प्योरिटी के पावर के आधार पर सारी प्रत्यक्षता हो जाती है। बेसिक नॉलेज से लेकर के अब तक एडवांस नॉलेज तक जो भी सेवा हुई है उसमें वाचा की ढेर की ढेर सेवा हुई, और भागदौड़ की भी कर्मेंद्रियों की ढेर सेवा हुई। कर्मणा सेवा का भी उतना रिजल्ट नहीं निकला, वाचा सेवा का भी रिजल्ट नहीं निकला, यहां तक कि अब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं। फिर अंत में मन का मौन रह जाता है, जो मन की पावर है संकल्प शक्ति वो ही काम करती है।
और वो तब काम करती है जब हम मन को एकाग्र करना सीख लेते हैं। जितनी वाचा चलाते हैं, जितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते हैं, उतना मन चंचल रहता है, देहवान में आते हैं। जब आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ज्यादा वाचा चलाने की इच्छा ही नहीं होगी। कर्म इंद्रियों की हलन चलन की भी इच्छा नहीं होगी। आत्मा एकाग्र हो जाएगी और एकाग्रता की पावर से सारे कार्य संपन्न होंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया अभी कितनी आत्माओं को संदेश दिया है 70 साल में है? अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है तो इतनी बड़ी दुनिया में संदेश कैसे फैलेगा? मन के मौन से ही नई रंगत निकलेगी। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जब वानप्रस्थावस्था आए तब ज्ञान ध्यान उठाना चाहिए। अभी बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। वानप्रस्थ का अर्थ ही है वाणी से परे हो जाना। वाणी ही नहीं चलेगी तो मन एकाग्र हो जाएगा। और हाँ जी जिस नंबर का नारायण होगा उसी नंबर का कहता में राम बनेगा। हाँ जी वो नव गतियान छोड़ के अभी तीन गतियान होते हैं है? तो लास्ट में वो जेडी की सीधे है ना तीन है तो लास्ट में बिंदु पर तो मिलता है ना वो तीन गद्दिया तीन गद्दिया जो नारायण होते हैं उनका नाम क्या होगा? नहीं नहीं जो नारायण होंगे वो नारायण किसकी वंशावली के होते हैं? संपूर्ण नारायण की वंशावली के होते हैं या अपूर्ण नारायण की वंशावली के होते हैं? है? जो आठवां नारायण है उसकी मूल वंशावली कहाँ से शुरू हुई? अरे जो नर से नारायण बनता है संपन्न स्टेज वाला नारायण जिसकी शास्त्र में कोई ग्लानी नहीं है तो उसकी वंशावली में होता है नारायण। और जो फेलियर्स हुए हैं उन फेलियर्स की वंशावली में लास्ट तीन गद्दियां भी आती है। जो नर से नारायण बनने वाला है उसका पुरुषार्थ फेलियर होने का है क्या? नहीं। और जो राम सीता बनते हैं वो पुरुषार्थ फेलियर का प्रारब्ध है या पास होने की प्रारब्ध है? है फेलियर की प्रारब्ध। तो उनका जो लास्ट होगा फॉलोअर वंशावली में वो स्वर्गीय संपत्ति को नष्ट करने वाले होंगे या बनाने वाले होंगे? नष्ट कर देते हैं। और यहाँ भी शूटिंग पीरियड में वो बनाने में नहीं लगते
कंस्ट्रक्शन के कार्य में सहयोगी नहीं बनते, क्या करते हैं? यहाँ भी डिस्ट्रक्शन करते हैं। वो विधर्मियों के बीज है, इसलिए उनको जो राजाई मिलती है वो लास्ट जन्मों की कोट पतलून मिल जाती है। उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, और बाप का बनने के बाद अगर डिस सर्विस करते रहेंगे तो पद कैसा होगा? नीच पद बनेगा। उनकी तो यादगार ही गिरजाघर बनता है। कैसा घर? गिरजा। उन्होंने पुरुषार्थ ही ऐसा किया है। भगवान ने मंदिर बनाने का पुरुषार्थ कराया और उन्होंने मंदिर को गिराने का पुरुषार्थ किया। अंदर अंदर हम अनुभव कर सकेंगे, दुनिया को उस खुशी का पता नहीं चलता है। ये ज्ञान गुप्त है या पंप एंड शो वाला है, तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? अंदरूनी खुशी देने वाला होगा या बाहर की खुशी देने वाला होगा? भक्ति मार्ग में बाहर की खुशी करते हैं, ढोल बजाएंगे, मजीरा बजाएंगे, लाइटें दिखाएंगे, पंप एंड शो करेंगे, और यहाँ ज्ञान में ये सब कुछ करने की दरकार नहीं। ये घूंगे की मिठाई है, दुनिया का विनाश होता रहेगा और हम अंदर अंदर अपनी खुशी में मस्त रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। तुम बच्चे हो मुर्दों की खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले, मुर्दे कौन? है जैसे मुर्दा होता है उसको डंडा मारो कोई असर होगा? ये भी ज्ञान के डंडे हैं जो लगते रहते हैं। जिन्होंने अपने को मुर्दा बना लिया मारे देह अभिमान के, उनको तो कुछ असर होता ही नहीं है। उन मुर्दों की खोपड़ियों को तुम ठोकर मारते रहेंगे, उनको एहसास होता रहेगा कि हमने सुनते हुए भी नहीं सुना। पश्चाताप होगा। माता जी का प्रश्न है, सर सद्गुरु निंदक दो प्रकार का है। सद्गुरु निंदक दो प्रकार का है, भगवान भगवान से निंदन करने से एक प्रकार, आत्माओं के निंदन करना, और इस दो में अंतर क्या है? आत्माओं का निंदन करना, अरे सद्गुरु में और आत्माओं में अंतर नहीं है। सद्गुरु की निंदा दो प्रकार की नहीं, आत्माएं सब नहीं होती है सद्गुरु।
सदगुरु तो सिर्फ एक ही होता है, और जो एक सच्चा गुरु है सब कुछ सच्चा बताता है। उस सच्चे की निंदा करना, झूठा बनाना कितना बड़ा पाप है। और सदगुरु की निंदा कराने वाला ऊंचा छोर कैसे पाएगा? अगर ठौर पालेगा भी तो सबसे नीचे तबके में जाएगा। जैसे त्रेता की अंतिम तीन बात सही है, दुर्गति कराने वाली है या सदगति कराने वाली है? खुद की भी दुर्गति होती है और सारी प्रजा की दुर्गति कराने में ले जाते हैं। जो ठौर मिलना चाहिए वो ठौर उनको पहले जन्म में नहीं मिलता, अच्छे जन्मों में वो ठौर नहीं मिलता। वो गुरु लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास कौन सा ठौर है? ठौर माने स्थान। वो तो खुद ही अपना घर घाट छोड़ करके भागते हैं जंगल में, वो कौन सा ठौर देंगे? तो भगवान सदगुरु की बात है, उसको जान करके, पहचान करके, मान करके जो निंदा कराने के निमित्त बनते हैं उनको इस जन्म में भी भगवान के नजदीक रह करके पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिलता। बिना की देशों में जाकर के सेवा करेंगे जहाँ चारों ओर मौत ही मौन मचाए रही होगी, बाप के नजदीक रह करके याद के वाइब्रेशन से दुनिया की गति सदगति में सहयोग नहीं दे पाएंगे। आत्माएं जो कार्य करती हैं और अभी तक 70 साल के पुरुषार्थ में आत्माओं ने जो कार्य किया है, पुरुषार्थ किया है, उसमें आत्माओं की वास्तव में निंदा है, निंदनीय कार्य किया है या श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है? अगर कोई ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया भी है तो उन आत्माओं की वाहवाही नहीं है, ये तो बाप दादा प्रवेश करके करा रहे हैं। तो जो है ही निंदनीय उसकी निंदा करने में कोई पाप कर जाता है क्या? दुखी होना चाहिए? अरे नहीं होना चाहिए। अरे पतित है तो कोई कह दे कि ये तो पतित है, पापाचारी है, तो क्यों दुखी होना चाहिए? ऐसा रावण राज्य की दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा। अभी राम का राज्य आ गया है क्या? है नहीं? तो रावण राज्य में तो सब बैठे हुए हैं। मधुबन में भी माया रावण आता है, वहां भी किसका राज्य है? रावण का राज्य है। तो जो भी है मनुष्य मात्र
बोलता हुआ निंदा नहीं किए हैं या प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं है? निंदनीय कार्य कर रहे हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक, प्रजापिता से लेकर के और 500 करोड़ भी जो आत्मा है, कोई भी प्रशंसनीय अपने को नहीं कह सकता। कोई अपने को स्त्री कहेगा, कह सकता है? कहेगा? नहीं कह सकता। तो जो जैसा है, चोर को चोर कह देने में कोई पाप बन जाएगा क्या? बनेगा ना? असंख्य चोर, हराम खोर, गुरु नानक ने बोला तो गलत बात कह भी क्या? सही तो बोला। जिनको दे अहंकार होता है उनको फिर बुरा लगता है, और आत्माभिमानी अभी तक कोई बना नहीं। कोई बना नहीं। प्रश्न आया है, यज्ञ के आदि में राधा बच्ची को ही दादा लेखराज ब्रह्मा सुनाते हैं और साक्षात्कार का अर्थ भी राधा बच्ची ही बताती है। राधा बच्ची साक्षात्कार का अर्थ बताती है, कौन बताता है? है जो बाबा बताता है या राधा बच्ची बताती है? शिव बाबा बताता है प्रजापिता के द्वारा। राधा बच्ची भी तो सुनी सुनाई बात ही बताती है ना। हाँ, राधा बच्ची का जो तन है वो आखिरी जन्म में भी पवित्र पाठ बजाने वाला है या अपवित्र पाठ बजाने वाला है? आखिरी जन्म में भी। सत्य के आदि में विष्णु, आदि में तो अंत में भी विष्णु स्वरूप। और प्रजापिता का कोई भी बात में विरोध करने वाली नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जो अंतिम जन्म में युगल बने वो पार्ट भी ऐसा नहीं था। अगर विष्णु स्वरूप ऐसा पार्ट होता तो यशोदा माता की जगह ओम राधे मम्मा को यज्ञ का निमित्त नहीं बनाया जाता। तो प्योरिटी की 63 जन्म की जो बैलेंस है वो बैलेंस अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा को विश्वास दिलाता है। दूसरी माता के ऊपर इतना विश्वास नहीं बैठता जितना राधा बच्ची के ऊपर विश्वास बैठता है। बाकी ऐसे नहीं है कि राधा बच्ची ने समझाया, जैसे जगदम्बा ने समझा सुना और सुनाया ऐसे राधा बच्ची ने भी सुना और सुनाई। एक बात, एक पवित्र आत्मा बोले और वो ही बात एक वैश्य बोले, अपवित्र व्यक्ति बोले, कसाई बोले,
तो लोगों को किसके ऊपर विश्वास होगा? पवित्र आत्मा के ऊपर पक्का विश्वास बैठेगा। बात एक ही बोली गई लेकिन विश्वास में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही समझ लो कि रुद्रमाला भी अभी ज्ञान सुना रही है, सुना रही है ना, जो बाप ने सुनाया वही गहरा ज्ञान सुना रही है ना, राज की बातें सुना रही है ना रुद्रमाला, लेकिन दुनिया के ऊपर असर नहीं पड़ता। और वही बातें विजयमाला निकलेगी और विजयमाला के मणकों के मुख से सुनाई जाएगी, उसका असर दुनिया के ऊपर क्यों पड़ जाएगा? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। तो पिता माता है तो जगदम्बा को पिता है तो हम पहचान है जगदम्बा को कैसे वो भैया बता तो दिया, एक है झूठी गीता और एक है सच्ची गीता। सच्ची गीता जब निकलती है तो एक सेकंड में ब्रह्मा को क्या बना देती है, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनता है। और झूठी गीता से पतन होता रहता है या उत्थान होता है। झूठी गीता में कृष्ण की छाप है, झूठी गीता के दिल पर कृष्ण उर्फ दादा लेखराज वाली आत्मा की छाप है, या शिवशंकर भोलेनाथ के प्रैक्टिकल पार्ट की छाप है? किसकी छाप है? कृष्ण की छाप है। तो कौन सी झूठी गीता और कौन सी सच्ची गीता? जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है वो झूठी गीता है, और जिस गीता पर शिवशंकर भोलेनाथ के प्रैक्टिकल जीवन की छाप होगी वो सच्ची गीता। कितनी गीताएं हो गई? दो। एक गीता है मनुष्यों की बनाई हुई, एक ने झूठा किया या अनेकों ने झूठा किया है? अनेक मनुष्य गुरुओं ने झूठा किया। और एक ऐसी गीता भी है चैतन्य में है कि एक के अलावा कोई की भी छाप कोई भी जन्म में नहीं पड़ती। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और प्रैक्टिकल शूटिंग पीरियड में भी ये बात देखने में आनी चाहिए क्या सच्ची गीता अपने ब्राह्मण जीवन में एक से प्रभावित होकर रहेगी आदि से अंत तक, और झूठी गीता अनेकों से प्रभावित हो जाती। इसलिए सच्ची गीता के लिए बोला है पहली अद्वैत वाणी में भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता का पार्ट है और वो है जगत माता का पार्ट। भारत माता की गोद में भारतवासी भी पलेंगे या असुर भी पलेंगे? भारतवासी ही पलते हैं। और जगत माता की गोद में
जो भी और धर्मों के विधर्मी हो, विदेशी हो, वो सब पलते हैं। इसलिए यादगार भी पक्का हिस्ट्री में बना हुआ है। क्या वो यादगार है? नहीं याद आ रहा क्या है? नहीं, दिल्ली यादगार है। दिल्ली की गोद में सब धर्मों ने पालना ली है। हर धर्म ने दिल्ली की गद्दी पर राज्य किया है। एक ही ऐसा शहर है दुनिया में, राजधानी है, जहां हर धर्म वालों ने राज्य किया है। नेपोलियन वाला है, नेपोलियन बड़ा राजा। ओ देवी देवता सनातन धर्म का था क्या? सिख धर्म का दिखाई पड़ा क्या आपको? ये बौद्ध धर्म का दिखाई पड़ा? हाँ, हिंसा के आधार पर सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होगा या आस्तिक होगा? नास्तिक किस्म के आदमी होते हैं। इंग्लैंड वाले क्रिश्चियन लोग हैं, सारी दुनिया के ऊपर तो राज किया 400 साल पहले। 400 साल पहले नहीं, 200-250 साल के अंदर। हाँ। अंदर पहले नहीं, वो क्या था? वो शूटिंग ऐसे यहाँ का है। हाँ। अभी एक ही मुकर्रर रथ है, और उस मुकर्रर रथ में राम वाली आत्मा भी पार्ट बजाय रही है, और कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाय रही है। दोनों के बीच में ज्यादा अज्ञानी कौन है? है कृष्ण वाली आत्मा। जो ज्यादा अज्ञानी होगा वो विनाश का पार्ट बजाएगा, या पहले स्थापना का पार्ट बजाएगा? है विनाश का पार्ट बजाता है। और ये विनाश का कार्य चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, उस आत्मा का इंटरफियरेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। अज्ञानता इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि सबका पुरुषार्थ चौपट होता जा रहा है। इस लड़ाई में कितने निकलेंगे अंत में? वो भी राम वाली आत्मा के वंश वाले होंगे, खून के होंगे, या दूसरे धर्मों के खून के होंगे? सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी होंगे? आठों ही सूर्यवंश से हैं।
लड़ाई तो चल रही है, देह अभिमान और आत्माभिमान की दोनों पार्टधारी भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गए। कौन दोनों पार्टधारी? राम और कृष्ण। अपने प्रैक्टिकल साकार पुरुषार्थी जीवन में निराकारी कौन दिखाई देता रहा और साकारी कौन दिखाई देता रहा? क्या दिखाई देती रही? राम वाली आत्मा स्पष्ट निराकारी दिखाई देती है और कृष्ण वाली आत्मा जब साकार शरीर था तो भी देह अभिमानी दिखाई दे रही थी। कोई भी चित्र निराकारी स्टेज का नहीं है और अब तो स्थिति और गिर रही है या बढ़ रही है? गिर रही है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण के 10 तीस दिखाए जाते हैं, उन 10 तीसों का बाप कौन दिखाते हैं? गधा। गधा नाम क्यों दिया गया? ज्ञान रिंचक मात्र भी बुद्धि में नहीं बैठता, बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए कहते हैं ये तो गधा है। लेकिन जितने भी जानवर होते हैं उन जानवरों में जो पालतू जानवर हैं उनमें सबसे जास्ती मेहनती जानवर कौन सा होता है? मेहनती होता है कि नहीं? मेहनती होता है। सुबह से शाम तक कितना बोझ हार्ड होता है, मार भी खाता है धोबी की, कितने डंडे लगते हैं। ज्ञान के डंडों की बात है या कोई स्थूल डंडों की बात है? ज्ञान के डंडे लगते हैं। और ब्राह्मण बच्चे ये भी जान गए हैं कि मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु है कौन? है ब्रह्मा। और बाबा की जो भी एडवांस ज्ञान की वाणी है वो सबसे जाती मार गुरुओं को ही लगाती है। बोलते भी हैं रावण कौन? जवाब क्या देते हैं मुरली में? ये गुरु लोग। और गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु तो रावण के सर के ऊपर जो 5 विकारों का बाप दिखाया है वो पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई? है अभी प्रश्न का जवाब मिल गया कि नहीं है? दुनिया में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े अहदेदार हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनका नारा है कर्म ही पूजा है। क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा है। कई जगह उन्होंने अपने घरों में भी लिख रखा है, ऑफिस में भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है? कर्म ही पूजा है। और जहां लिख रखा है
वहाँ अगर कोई होशियार आदमी लिख दे गधे का कर्म ही पूजा है। तो बात क्लियर होगी या नहीं क्लियर होगी? है क्लियर हो जाती है। कर्म तो गधा भी करता है लेकिन कुम्हार या धोबी के डंडे के नीचे कर्म करता है। हम ब्राह्मण बच्चे किसके अंडर में कर्म करते हैं? है? हमारा बेहद का धोबी है। हमको चलाने वाला बेहद का बाप है। हम एक के अंडर में कर्म करने वाले हैं। उनको तो अनेकों के अंडर में कर्म करना पड़ता है। तो जैसे कि रावण के अंडर में कर्म कर रहे हैं फिर कर्म को पूजा कहते हैं। इतना भारी अंतर पड़ जाता है। वेस्ट करना ही पूजा है। वेस्ट करना दिखाता कौन है? जो लिखते हैं कि कर्म ही पूजा है उनको वो कर्म कौन करा रहा है? अरे दुनिया में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े अहदेदार हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और वो अपने घरों में ऑफिस में लिखते हैं कर्म ही पूजा है, उनसे कर्म कौन करा रहा है? रावण राजी के अंडर में बैठ करके कर्म कर रहे हैं। आज एक कानून बनता है कल दूसरा आ जाता है, दूसरा कानून बना देता है, तीसरा और आ गया वो तीसरा कानून बना देता है। यहाँ तो बाप एक है और सत्य भी एक है और ज्ञान भी एक है। अनेक बातें नहीं सुनाता है। समझ का कभी कभी फेर पड़ जाता है तो एक बाप की बातें भी अनेक मालूम पड़ती हैं कि बाप एक बात नहीं बोल रहा अनेकों बातें बोल रहा है। जैसे मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, फिर बोला है लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तो क्या दो बातें बोली है बाप ने? प्रसंग अंतर को नहीं समझा तो दो बातें लगती। ओम।